तो सनातनी जो होते हैं वो अपनी वाइफ को अर्धांगनी या धर्मपत्नी कहते हैं, और हमारे यहाँ निकाह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक एमओयू होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे फैक्ट्रीज का होता है, जैसे बिजनेस का होता है, जैसे हाउस का एग्रीमेंट होता है, रेंटेड अपार्टमेंट का एग्रीमेंट होता है, उसी तरीके से हमारे इस्लाम धर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट सकता है, कभी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टूट सकती है, और यही हम देखते भी हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, मैंने अपनी मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैंने तलाक के केसेस देखे हैं, और इतना उलझ गई थी, इतना पिस्ड ऑफ हो चुकी थी कि 2017 में मैंने सोचा कि तलाक ही बंद करवाती हूँ, ये जड़ी बंद करवा देती हूँ मैं। लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, कल की ही मैं न्यूज बता रही हूँ कि कानपुर की एक लड़की है, उसने अपना आईब्रो बना दिया, अपना आईब्रो शेप करवा लिया, थ्रेड करवा लिया है, तो सऊदीया से बैठे बैठे उसके हस्बैंड ने उसको फोन पे तलाक दे दिया। मैंने तलाक देखा है कि लड़की खाना अच्छा नहीं बनाती है तो तलाक, लड़की बेटा नहीं पैदा कर पा रही है तो तलाक, लड़की सो करके देर से उठ रही है तो तलाक, लड़की एडुकेटेड होना चाहती है तो तलाक, लड़की वोकल है तो तलाक, लड़की खूबसूरत नहीं है तो तलाक, लड़की का फिगर अगर बच्चा होने के बाद खराब हो गया और वो ठीक नहीं कर पा रही है तो तलाक। तो एक अजीब, सही है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो दो लोगों के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो तलाक हो जा रहा है। पर वहीं पर सनातन धर्म में क्या हो जाता है, धर्म पत्नी हो जाता है, मतलब धर्म के साथ साथ ये रिश्ता चल रहा होता है, अर्धांगिनी हो जाता है, मतलब जब तक वो व्यक्ति, वो पुरुष जिंदा है तब तक वो उसके जिस्म का आधा हिस्सा है, उसकी वाइफ। और आर्मी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे अपनी मातृभूमि से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने देश की मिट्टी से बहुत मोहब्बत है, और कल ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने मेरा देश मेरी मिट्टी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम में का वो हिस्सा बने, उन्होंने मिट्टी को उठा करके तिलक बना करके लगाया। तो हम जैसे लोगों को ना अपनी अपनी भारत माता से बहुत मोहब्बत है, और आर्मी जो है वो इसी भारत को की सुरक्षा के लिए दिन रात सुबह शाम मौत हयात जिंदगी फेस्टिवल्स कुछ नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। उनके लिए सारे रिश्तों से सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम ये देश होता है, हर खुशियों से पहले देश होता है। आज करवा चौथ में आप देखो, आपके जितनी भी पुलिस लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी में मेहंदी लगा रही है, अपनी ड्यूटी में है वो, और वो मेहंदी लगा रही है। इवन अभी मैं महाराष्ट्र से रिटर्न आई हूँ, एंड मैं फास्ट में, मेरी फ्लाइट लैंड हुई है, मैं घर आई हूँ और मैं आपके साथ बैठी हूँ। तो हम अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन जो एक प्रेम है, जो एक लगाव है, जो एक अट्रैक्शन है, जो एक जज्बात का कनेक्शन है, वो हम ड्यूटी में रहे, वो हम वर्दी में रहे, वो हम कोर्ट रूम में रहे, वो हम चैम्बर में रहे, वो हम किसी मीटिंग में रहे, किसी कॉन्फ्रेंस में रहे, या बॉर्डर पर रहे, हम अपने जो कर्तव्य है रिश्तों के साथ उसको भी हम नहीं भूलेंगे, और जो इस मातृभूमि के लिए जो कर्तव्य है, इस देश की जनता के लिए जो कर्तव्य है, इस देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जो कर्तव्य है, वो भी हम नहीं भूलेंगे। बिल्कुल मैम, एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक मुस्लिम गर्ल पाकिस्तान में, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा भी सकती हूँ कि भाई पाकिस्तान में मुस्लिम गर्ल करवा चौथ के व्रत को कवर कर रही है, और ये कह रही है कि यार ये कितने ज्यादा खूबसूरत फेस्टिवल है, ये कितने ज्यादा एक्साइटिंग, मतलब एक्साइटमेंट में आके वो कह रही है कि कितने ज्यादा खूबसूरत है, इनके साथ किस तरह से मतलब मेल जोल करके हिंदू कल्चर को दिखा रही है, और ये कह रही है कि भाई ये जो व्रत है ना सिर्फ हिंदू में बल्कि मुस्लिम्स में भी होने चाहिए, ताकि जो है अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा शो करवाई जा सके। देखिए, आपके पाकिस्तान में हिंदूज है ही कितने, 21% से तो आप लोग 1% पे ले आए हो, और वो भी बेचारे डिप्राइव्ड हैं, दबे कुचले हैं, बहुत सहमे हुए रहते हैं, अपने फेस्टिवल्स को भी बहुत डर करके मनाते हैं। आप भारत आइए या आप इंडोनेशिया जाइए,
अभी तो दुबई चले जाइए, दुबई में भी बहुत धूमधाम से करवा चौथ मनाया जा रहा है। मतलब इतनी खूबसूरत मतलब लड़कियां दिख रही हैं, औरतें महिलाएं दिख रही हैं, लग ही नहीं रहा है कि वो मुस्लिम कंट्री है, लग रहा है कि मैं भारत आ गई हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा है। लेकिन उसके लिए ना सबसे पहले आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। जब करवा चौथ मनाया जाता है तो लॉर्ड शिवा और पार्वती गणेशा की के पाठ को और उनकी पूजा की जाती है। लॉर्ड शिवा के बारे में मैं आपको, जिनको हम महादेव भी कहते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप कभी गूगल में सर्च कीजिएगा, क्योंकि शायद आपके यहाँ नॉर्मल बुक स्टॉल में भगवत गीता या शिवा तांडव या शिव जी की जो किताबें आती हैं वो आपको नहीं मिलती मिलती होंगी पाकिस्तान में। शिव जी अपनी अर्धांगनी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी धर्म पत्नी के मायके में जब उनके हस्बैंड मतलब शिव जी, वो सम्मान शिव जी को उनकी अर्धांगनी के घर में नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने गुस्से में अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। और शिव जी इतने इतने गुस्से में, क्रोध में आ गए थे कि वो अपनी अर्धांगिनी की जली हुई बॉडी को अपने हाथ में लेकर के पूरा उन्होंने तांडव किया था, पूरा का पूरा तांडव किया था। और जहां जहां पर उनके बॉडी के पार्ट गिरे थे वहां वहां पर मंदिरों का निर्माण हुआ। तो आप सोचो कि धर्म पत्नी ने क्यों अपने आप को अग्नि में समर्पित किया, क्योंकि उनके पति को उनके खुद के माँ बाप के यहाँ थोड़ी सी सम्मान में कमी हो गई। और शिव जी ने अपनी अपने प्रेम को अपनी अर्धांगिनी के प्रति कैसे दिखाया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए जो पूरे विश्व का जहर अपने कंठ में रख लेते थे, जिनका कंठ नीला हो जाता था, पूरी दुनिया का पूरे विश्व का जहर अपने कंठ में रखते थे ताकि पूरे विश्व के लोगों को कोई दिक्कत ना आए। वो सजल व्यक्ति तांडव किया क्योंकि उसने देखा कि उसकी धर्म पत्नी, उसकी अर्धांगिनी अब नहीं रही। और जहां जहां पे वो बॉडी के पार्ट्स गिरे वहां वहां पर मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये जो अनकंडीशनल लव, ये जो रूहानी मोहब्बत, ये जो एक अटैचमेंट, ये हम मेरे धर्म में नहीं, हमारे इस्लाम धर्म में 7 मिनट के बारे में भी नहीं पता है कि कब तलाक मिल जाएगा, ऐसी कौन सी हरकत कर दी जाएगी कि तलाक मिल जाएगा। और या तो फिर मेरा खाविंद, मेरा शौहर जो है, मिजाजी खुदा जो है, वो ले आएंगे दूसरी बीवी। मैं थोड़ी सी मोटी हो गई तो दूसरी बीवी, मैं थोड़ी सी बुढ़ी हो गई तो दूसरी बीवी, मैं बेटा नहीं पैदा कर पाई तो दूसरी बीवी, मैं खाना नहीं अच्छा बना पाई तो दूसरी बीवी, मैं थोड़ी सी काली हूं तो दूसरी बीवी। तो एक इस्लाम धर्म है जहां पर बीवी का, अर्धांगिनी का कोई सम्मान ही नहीं है, और एक सनातन धर्म है जिसमें महिला का इतना सम्मान है, इतना सम्मान है कि आकाश, विश्व, धरती, लक्ष्मी सब महिलाओं को ही दे दिया गया है, सब महिलाओं को दे दिया। तो सूर्य की पूजा के साथ साथ पति की पूजा की जाती है। पति को अपने छलनी से देख करके पति अब मुंह में जल डालता है और उसके बाद फिर पूजा पूरी सक्सेसफुली समर्पण होती है। और जो धर्म पत्नी होती है वो बहुत खूबसूरत से सजती हैं, मेहंदी लगाती हैं। मैंने तो मेहंदी वेहंदी नहीं लगाई है क्योंकि मेरा अभी सिनेरियो थोड़ा अलग है, तो मैंने मेहंदी वगैरह नहीं लगाई है। लेकिन वाकई में आना बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है। और मैं तो बचपन से अट्रैक्ट होती थी करवा चौथ से, उसके बाद राखी से, तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल से मैं हमेशा बचपन से ही अट्रैक्ट होती थी कि इनके इनके फेस्टिवल्स कितने मैम, अच्छे होते हैं। आपने कहा कि औरत जो है वो थाली से, मतलब जो भी जाली टाइप जो भी, उसके साथ चांद को देके, हस्बैंड को देके फिर व्रत खोलती है। आप किसको देके खोलेंगी? सूर्या को मैंने बस छन्नी से सूर्या देखा और सूर्या को देख करके मैंने खुद से ही पानी डाल लिया।
वुमेन मतलब ख्याल ख्याल उस बंदे का रख के आपने व्रत खोल लिया. इज जस्ट एन इल्यूजन, अभी तो कोई भी नहीं है, इज जस्ट एन इल्यूजन. अब क्योंकि मैंने मन में बना रखा है कि कोई सनातनी आर्मी होगा तो भाई तो सुरक्षित रहे, वो मुझे मिले या ना मिले, कोई भी अगर ऐसा कोई इल्यूजन आर्मी सनातनी है तो उसको सुरक्षित रखना भी मेरे लिए एक मेरी मातृभूमि के लिए एक कर्तव्य है. तो ठीक है, इट्स ऑल राइट. मैं अगर किसी एक आर्मी की जिंदगी और उम्र अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ उस भारत के लिए, थोड़ा सा, इतना सा, बहुत ज्यादा नहीं पर इतना सा तो कर रही हूँ. तो एक इल्यूजन है. तो मैंने सूर्य भगवान को देख करके मैंने अपना व्रत खोल लिया. लास्ट में हम देखते हैं कि विराट कोहली की वाइफ, जो कि विराट कोहली बहुत पाकिस्तान में वायरल हैं और पूरी, मैं कहती हूँ, सारी मुस्लिम जो है लड़कियां वो बहुत पसंद करती है, बड़े पसंद करती है, और लड़के भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. उनकी वाइफ ने व्रत रखा विराट कोहली के लिए. हमने देखा कि थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि भाई उन्होंने ये भी कहा, शो करवा दिया कि भाई वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में वो जीत के आए, भारत का जो सर है वो फखर से बुलंद करके आए. विराट कोहली की आप स्पेशल क्या कहेंगे? उनका कपल मुझे बड़ा पसंद लगता है, मतलब उनकी दोनों की मियां बीबी की शक्ल ऐसी है जैसे बहन भाई होते हैं ना, मतलब है. मुझे मतलब बड़ा प्यारा सा लगता है उनका कपल. ये जो कमेंट है ना ये मुसलमानों में दिया जाता है, अरे दोनों हस्बैंड वाइफ शोहर और बीवी तो बहन भाई लग रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाई बहन में भी शादी हो जाती है, मतलब रिश्तों का मजाक उड़ा दिया जाता है और सनातनियों में बहन बहन होती है. मुझसे जितनी भी मेरे सनातनी भाई मिलते हैं वो नजरें नीची करके, दीदी कैसे हो आप, दीदी जी को आप, तो मतलब नजरें नीची होती हैं, वो पूरा भर करके बहनों को देखते भी नहीं. तो ये कमेंट हमारे इस्लाम के लिए ठीक है, दोनों बहन भाई जैसे लग रहे हैं तो सही बात है, ब्लड भी तो एक ही होता है ना, चाचा का, चाचा की बेटी और चाचा का बेटा, तो ब्लड डीएनए तो एक ही हो जाता है. तो ये मजाक जो है पूरी दुनिया में ये इस्लाम इस्लाम में ही बनता है, बाकी सनातनी में बिल्कुल बिल्कुल. तो देखो विराट कोहली और अनुष्का को विरुष्का करके बुलाया ही जाता है, दोनों को ज्वाइंट करके विरुष्का करके बुलाया ही जाता है. दूसरी चीज है कि हमने पहले देखा था कुछ वक्त पहले कि विराट कोहली के प्रदर्शन बहुत अच्छे नहीं हो रहे थे, वो बहुत अच्छा खेल नहीं पा रहे थे और लोगों के दिल में हमेशा आ रहा था कि क्या बात है. अब देखो इतनी टॉप की एक्टर अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड में उनका सिक्का चलता है अनुष्का शर्मा का, टॉप के एक्टर के साथ ही उन्होंने फिल्में बनाई हैं और सारी फिल्में हिट की हैं और इतनी ज्यादा वो डिवोटी हैं अपने सनातन धर्म को लेकर के कि जैसे ही देखी कि पति का जो प्रोफेशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है तो ले गई चार धाम यात्रा पे ले गई, उसके बाद फिर पूजा पाठ पे लेकर के गई और जैसे ही विराट कोहली जी रिटर्न आए वो सारी यात्राओं को पूरा करके आप देखो अभी चार चांद लग गया उनमें. और देखो एक चीज मैं कहूंगी कि भारत के प्रति जब बहुत मोहब्बत होती और जब वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो धर्मपत्नी के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि भारत के प्रति भी हम पूजा करें, हम पाठ करें, भारत की जीत के लिए भी हम अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करें. और क्योंकि अनुष्का शर्मा का पति भारत के गौरव के लिए खेल रहा है विराट कोहली, इसलिए करवा चौथ का व्रत रख करके भी वो हमेशा ये साबित करती हैं कि वो भले ही टॉप की एक्ट्रेस हैं, वो भले ही बहुत मॉडर्न ख्याल की हैं, वो अच्छा अनुष्का शर्मा में मैं एक और क्वालिटी बताऊंगी, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आप लोगों को मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा अखड़ जाता है आपके पाकिस्तान के लोगों को और भारत के लोगों को, लेकिन मुझसे भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. और सेकेंड क्वालिटी मैं कहूंगी कि वो आर्मी फैमिली से आती है तो उनको देश के प्रति कितनी मोहब्बत होगी ये मैं आइडिया लगा सकती, ये मैं बिल्कुल आइडिया लगा सकती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी सब जुडिशरी वाले लोग हैं, सब कानून से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, बाकी सब कानून से जुड़े हुए लोग हैं. तो देश के प्रति जो कर्तव्य होता है, जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो वो अनुष्का शर्मा को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो नॉट एक मतलब 0.1% भी
वो कोई एक ऐसी जगह अनुष्का शर्मा नहीं छोड़ेंगी बिल्कुल भी जो विराट कोहली के लिए, और विराट कोहली जो भारत के गौरव के लिए खेल रहे हैं उसमें जरा सी भी चूक आ जाए, वो हर एक कर्तव्य को पूरा करेंगी, हर एक कर्तव्य को। तो आज उन्होंने करवा चौथ का व्रत भी रख लिया और दूर है विराट कोहली, पर ठीक है, इट्स ऑल राइट। उन्होंने मनाया करवा चौथ और अपने पति की लंबी उम्र के साथ साथ जरूर उन्होंने ये भी माना होगा कि बस भारत ही आ जाए हमारा वर्ल्ड कप और क्या। देखिए ये इमोशनल फीलिंग जो है ना अनम, ये वो लोग नहीं समझेंगे जिनके दिमाग में जिहाद, हिजाब, औरत को डिप्राइव करना, चार चार बीवियां रखना, 72 वर्जिन हूरों के बारे में सोचना, आईब्रो बना ले औरत तो उसको तलाक दे देना, ये मुसलमान मर्द कभी भी ये मतलब अनकंडीशनल मोहब्बत के बारे में उनको कभी समझ में नहीं आएगा, कभी भी समझ में नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता है। यस आई एग्री मैम के मुस्लिम कह लें या पाकिस्तानी कह लें वो ज्यादा इमोशनल नहीं होते, मतलब लड़कियां उनसे बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करती हैं बट एज यूजुअल आगे से उस तरह की एक्सपेक्टेशन पूरी की नहीं जाती, बट खैर कोई मसला नहीं, जिंदगी है गुजर जाएगी। अभी जो वीडियो हमने की है, हमें जो देख रहे हैं जितने भी हमारे भाई बहने, हिंदू कल्चर में तो ये होता है, मजहब में होता है कि भाई वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं। अगर कोई मुस्लिम गर्ल्स हमें देखी है और उन्होंने अगर करवा चौथ का व्रत रखा है तो मैम के लिए लाजमी नीचे कमेंट करें और बताएं, और आज की वीडियो हमारे जितने भी देखने वाले व्यूवर्स उन्हें कैसी लगी और मैम को वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक मुस्लिम बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और वो भी अननोन पर्सन के लिए, तो क्या कहेंगे नीचे कमेंट।